827 लोगों को दिया है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रालय को, सभी पार्लियामेंट मेंबर को, सभी राज्यसभा मेंबर को, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को और देश के सभी गवर्नर को और अपोजिशन लीडर को। ये टोटल जो है 827 लोगों को बाय पोस्ट भेजा गया है। 9 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुंबई में नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को भी सौंपा गया है। ठीक सर, एक और बात जानना चाह रहे थे कि इसका जो चेहरा बनते चले आए हैं शुरू से, वो है अमित शाह। गाहे वगाहे कभी पार्लियामेंट के अंदर या कभी किसी सभा के अंदर कहते हैं कि NRC आएगा जरूर जी। और आप मसौदा पेश कर रहे हैं, क्या अमित शाह से आपने बात करने की कोशिश की या उनको ये मसौदा पहुंचाया, खास करके सीधा सीधा? देखिए सलमानी साहब, अमित शाह ने जो मसौदा CAA का पेश किया है उसका तो मैं मजाक करता हूँ, समझे साहब? वो उस मसौदे को आप गौर से पढ़िए, 10वीं क्लास का बच्चा भी वैसा मसौदा बना देगा। मतलब वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हाँ, उत्तेजना फैलाने के लिए, डर फैलाने के लिए, गो के वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं तो उनके जो बयान आए हैं वो दहशत और खौफ फैलाने वाले बयान हैं। हम उस खौफ और दहशत को रद्द किए हैं इस मसौदे के तहत। दूसरी बात कि हमारा ये नारा है NRC के डर ने मारा है, अब इस डर को मार डालिए, इस डर को मार डालो जी। इसमें JNU के और दूसरा आपके दूसरे सवाल का जवाब, अब गो के वो एक गृह मंत्री हैं, NRC का जो डिपार्टमेंट है वो अमित शाह के खाते में ही आता है, उन्हें स्पेशल भेजा गया है, कवरिंग लेटर लगाकर भेजा गया है, उनसे हमने समय मांगा है कि इस मसौदे के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, इंतजार है कि उनका समय मिल जाए। तो NRC का मसौदा लेकर आप मतलब कह रहे हैं कि NRC आए, आप कहना कह रहे हैं कि NRC हो अभी जा रहे हैं, जबकि मुखालिफत होती है स्टार्टिंग से, आप फिर कैसे कर सकते हैं इस चीज को? यार मतलब वो ये कहते हैं कि जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो गलत थे। जी सर, देखिए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो गलत नहीं थे, लेकिन जो जहर फैला करके प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कराए वो गलत थे, समझे साहब? हम आपको आपके सवालों का जवाब सादे तरीके से देना चाहते हैं। जो लोग यहाँ पर कुछ देश को दो हिस्से में बांट दिया गया था, एक NRC समर्थक और एक NRC विरोधी, हम ना विरोधियों के साथ रहे हैं और ना समर्थकों के साथ हैं। हमने अपना विजन पेश किया है, हमने जो ज़मीन पर देखा है इस मसौदे के अंदर वो हमने पेश किया है, ना कि हम समर्थन में हैं ना हम विरोध में हैं। और ये आप भी पढ़िएगा, आपको भी लगेगा कि वाकई में विरोध करने वाले गलत मान रहे हैं आपने। नहीं बिल्कुल वो सही थे, उनको जो डर था, मुझे भी अगर डर हो जाएगा कि ये मेरा घर कब्जा कर लिया जाएगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, तो मैं भी प्रोटेस्ट में आ जाऊंगा, मैं भी धरने मोर्चे में आ जाऊंगा। वो प्रोटेस्ट करने वाला कोई भी गलत नहीं था, उनका डर, उनको डराया गया था, वो अपनी डर की वजह से उस ठंडी इसमें आए थे, सड़कों पर उतरे थे देश भर में, वो गलत कैसे हो सकते हैं? लेकिन एक सेकंड, लेकिन गलत वो लोग थे जो हमारी कयादत थी, मजहबी कयादत और राजनीतिक कयादत गलत थी, जिन्होंने दिशा देना चाहिए था, इस तरह का मसौदा उन्हें देना चाहिए था। हमारे समाज में बैरिस्टर हैं, हमारे समाज में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे समाज में मंत्री लोग हैं, सारी क्वालिटी के लोग पाए जाते हैं। अगर सरकार की कोई नीतियाँ पसंद नहीं आई थी तो उन्हें मसौदा देना चाहिए था, ना कि जो है अपने बच्चों को, अपने बीवियों को, अपनी माताओं को सड़कों पर उतार देना चाहिए था। फिर भी एक सवाल ये भी है कि JNU के
और जामिया के और शाहीन बाग दिल्ली पूरे भारत के अंदर जो आंदोलन चल रहा था उसका जी, वो एक टीम बन चुकी थी, चाहे किसी भी रूप में उसको पहचान लो, चाहे उन लोगों का कदम गलत था या धार्मिक था जैसा भी था, पर क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? देखिए साहब, उनसे बात करने को तो कल ही बात हुई है, सोशल मीडिया पे मेरे साइट पर देख लीजिए, कल मीटिंग हो गई शाहीन बाग के शाहीनों के साथ, उन्होंने आह्वान किया है और ये मसौदे की कापी उन्होंने अपने हाथ में ली है, बोले भाई आपने तो बाय पोस्ट भेजा, हम बाय हैंड ले जाके दिल्ली में देंगे। आप देख लीजिए, आप मेरे फेसबुक पर देख लीजिए, फोटो लगे हैं, सबने लिए हैं, बातचीत चालू है, हम दिल्ली में बैठे हैं तो गुफ्तगू चालू है और उनको एहसास हो चुका है। कल का उनके अल्फाज हैं कि भाई हम ही वो लोग थे जो कहते थे एनआरसी नहीं चाहिए, लेकिन इस्माइल साहब का मसौदा देखने के बाद हम आवाज़ करते हैं आप जल्द से जल्द सरकार एनआरसी हमको दे दे। मसौदे की बात कर रहे हैं, यानी कि एनआरसी होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, आप भी डॉक्टर साहब आपके बराबर बैठे हैं, दोनों से ही जानना चाह रहे थे इस बात को कि आप लोगों ने शुरू में इसका विरोध किया कि भाई एनआरसी का एनआरसी होगा कैसे, इसका खर्चा कहाँ से उठाएगी सरकार, बहुत सी बातों पर आप लोगों ने इस वक्त पेश किए थे अपनी ओर से, तो अब कहाँ से खर्चा उठाया जाएगा इसका? इसमें वो भी सुझाव दिया है, बिल्कुल इसके अंदर सुझाव दिया है खर्च कैसे होगा, आपकी जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं होगा और भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और सरकार के ऊपर अखराजात के जो आर्थिक बोझ होते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे, बड़ी आसानी से इसमें हमने सिर्फ सवाल नहीं उठाए हैं, सवाल के साथ साथ हर सवाल के साथ साथ हमने सुझाव दिए हैं जिसमें ये अहम मुद्दा है। पर फिर भी एक सवाल ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है केंद्र में और वो आपकी बात क्यों माने? देखिए साहब, ये जो मसौदा हमने पेश किया है सिर्फ मौजूदा सरकार के लिए नहीं, और ये सरवर साहब के लिए या नफीस सलमानी के लिए नहीं है, ये आने वाली हर सरकार जब तक ये देश एक रहेगा तब तक के लिए ये मसौदा है, और इस देश जब तक ये देश कायम रहेगा तब तक की जितनी भी सरकार आने वाली है उन सब के सामने ये मसौदा है, ना कि बीजेपी के सामने, ना कि स्थिर सरकार के सामने। अब वो इत्तफाक अलग है कि हम मसौदा जब पेश किए वो बीजेपी की सरकार है, ये इत्तफाक की बात है, लेकिन हर आने वाली सरकार के पास है, और ये मसौदा आपके लिए भी है सरवर साहब, आपके बच्चे के लिए भी है, आपके पोते के लिए भी है और आपके परपोते और पोतियों के लिए भी है। एक सेकंड मैं करेक्शन कर दूं, आपने सवाल किया, चूंकि आपने उस जमाने में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी आपने हमसे कई सवाल किए थे, वो वीडियोस होंगे। कहा जाता है कि इंसान मुकर सकता है मगर कैमरा नहीं मुकरता। उस धरना प्रदर्शन और विरोध में मैं जब भी शामिल हुआ तो मैंने 2-3 बिंदु तब भी रखे थे। सीएनआरसी के ताल्लुक से मेरा स्पष्ट मानना था कि ये जो अफवाह फैलाया जा रहा कि ये मुस्लिम विरोधी है, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये देश की बड़ी आबादी के खिलाफ है। आज भी हम उस पर कायम है, और एनआरसी के ताल्लुक से जो डॉक्यूमेंट्स तलब सरकार ने किया था हमने उस वक्त भी उसका विरोध किया था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं है आज के इस दौर में भी, 21वीं सदी में भी, और ये भी सिर्फ मुस्लिम से ना जोड़िए, इसमें भी कई ऐसी बिरादरियां नॉन मुस्लिम में भी है जिनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सरकार एनआरसी तो कराए मगर ये परिवर्तन करे कि जो मांगे जा रहे हैं दस्तावेज उसमें वो तरमीम करे। हाँ, ये बात जरूर है कि मसौदा हमारे पास भी नहीं था कि तरमीम अगर हो तो कैसा हो, अगर सरकार कुछ मांगे तो क्या मांगे, कितना मांगे, वो सब कुछ इस्माइल बाटली वाला साहब ने अपनी मेहनत से तैयार किया है कि एनआरसी तो आप कराइए, करानी चाहिए और जरूरत है। देखिए, आधार कार्ड आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है और पहचान पत्र भी आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, ये बयान आ चुका है ऑलरेडी, तो अब हमको एक ऐसा प्रमाण पत्र तो चाहिए ही जिससे हम दुनिया के किसी भी कोने में ताल ठोक कर कह सके कि हम भारतीय है, उसके लिए एनआरसी जरूरी है। लेकिन एनआरसी के लिए जो शर्तें सरकार ने बनाई थी उस पर आपत्ति थी, अब सरकार को क्या करना है कैसे करना है उसका पूरा प्रारूप यहां तैयार है, ये मशवरे जा चुके हैं, अब ये डिस्कशन का दौर चलेगा इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है आप बार बार कह रहे हैं भाजपा सरकार है भाजपा सरकार है, ये नकारात्मक बयान भी बंद हो, भाजपा सरकार ने भी कई ऐतिहासिक काम किए हैं, हो सकता है यह ऐतिहासिक काम भी भाजपा सरकार के रहते ही हो जाए, हमें सरकार से डायलॉग का रास्ता बनाना चाहिए।